बाहर निकल गया। आपकी हिम्मत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाब न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम छोरा मेन रोड पर, ये रोड जो है हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से महज 100 मीटर की दूरी पर है, पर ये खड्डा जो है ये पड़ा हुआ है मेन रोड के बीच। आए दिन महकमा बीआरओ की तरफ से इसको ठीक किया जाता है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो सिर्फ एक हफ्ता है, एक हफ्ते के बाद ये दोबारा टूट जाता है। क्या कारण है, क्यों नहीं इसकी मरम्मत जो है अच्छे ढंग से हो रही? हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ के बाशिंदे जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है इस खड्डे की वजह से। यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी वालों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक शख्स जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम बूटा सिंह। मैं ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो खड्डा रोड का बना हुआ है, ये 10 दिन डालते हैं, 4 दिन के बाद टूट जाता है। परसों डाला हुआ है, आज फिर टूट गया। जहाँ से गाड़ी चाड़ी आती है, बच्चे लोगों भी जाते हैं, गिर जाते हैं, और खड्डे के कारण बहुत ही ट्रैफिक जाम हो जाती है, पुलिस वाले भी बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। उसके बाद ये खुला का सरिया जो डाला था वो निकाल के ले गए हैं, उसके बाद जो सीमेंट का प्लस्टर डाला हुआ है वो फिर टूट चुका है। उसका जो डीसी साहब की रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी इस खड्डे का मामला है उसका जल्दी जल्दी जाँच कीजिए। कितनी मुश्किलात होती है, आप यहाँ के लोकल हो, यहीं रहते हो, निवासी हो यहाँ के, कितनी मुश्किलात होती है इस खड्डे से आए दिन लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जिस खड्डे के बराबर, कोई गाड़ी फंस जाती है, कोई मोटरसाइकिल फंस जाता है। कल परसों एक बच्चा जहाँ से गिर गया था उसको बहुत मुश्किल से निकाला, तो बच्चे को गिरने के बाद एक गाड़ी फंसी, गाड़ी के बाद ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे, इसको डालना चाहिए, पूरा सरिया कम्प्लीट डालना चाहिए। जो सोना का बारीक सरिया होता है वो निकाल के ले जाते हैं, खाली सीमेंट डाला हुआ है इसमें, और इसको हम चाहते हैं कि ये पूरा अच्छा प्लस्टर डालें, सीमेंट डालें, इसमें सीमेंट नहीं खाली रेता डाला हुआ है। जिस तरह से ये यहाँ के लोकल बाशिंदे थे, इनका ये आरोप है कि बीआरओ जो ये जो खड्डा है इसके ऊपर स्लैब जब डालते हैं तो उसमें अच्छी क्वालिटी का जो रेशो नहीं डाला जाता, वही वजह है कि उसकी वजह से ये जो खड्डा है ये हर हफ्ते में 2 बार ये टूट जाता है और दोबारा से इसके ऊपर लेंटर डाला जाता है। हम भी यही गुजारिश करना चाहते हैं जिला तरजाती कमिश्नर रजौरी राजेश कुमार सावन से, हर एक आदमी से हमने बात की और हर एक आदमी का जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी राजेश कुमार शवन के ऊपर भरोसा रखते हैं और यकीन दहानी पर रखते हैं कि राजेश कुमार शवन जो जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी हैं वो हमारी इस मुश्किल का असाला करेंगे। ये जो है बड़ी बिजी रोड है, हर वक्त यहाँ गाड़ियों की आमद रफ्त जो है वो बड़े बिजी तरीके से रहती है। मेडिकल कॉलेज यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, उसके अलावा अगर हम बात करें और भी काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफिस है यहाँ, एमरजेंसी रोड है, तो अगर एमरजेंसी रोड के ऊपर ऐसी हालत होगी, आए दिन खड्डे पड़े रहेंगे तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी? हम भी यही गुजारिश करना चाहते हैं बीआरओ से और जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी राजेश कुमार शवन से कि इससे पहले यहाँ पर बड़ा हादसा ना हो इसकी मरम्मत की जाए, इसकी जाँच की जाए, क्या कारण है, क्यों ये खड्डा पड़ जाता है, यहाँ से रोड जो है ये टूट जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।